पाकिस्तान के कश्मीर वाले बयान पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई परेशान है और आईएसआई ने कश्मीर के अलगाववादियों को नया टारगेट दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अलगाववादियों से कहा है कि 15 अगस्त को कश्मीर में काला दिवस मनाया जाए। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई और हुर्रियत नेताओं के फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अलगाववादियों को कहा है कि वो कश्मीर में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को होने से रोके। पीओके पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट के चलते आज सुबह से ही जम्मू के पुंछ में लगातार सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है। सुबह से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है और मोर्टार दाग रही है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले कल भी पुंछ में ग्रेनेड से हमला हुआ था जिसमें बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के 15 यात्री जख्मी हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को पाकिस्तान की सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वायोलेशन की है इन्होंने बॉर्डर की, ये पुंछ की बॉर्डर की वो की है, वो बहुत सीरियस है। इसके अगेंस्ट इंडिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इट इज बहुत क्लोज है इंडिपेंडेंस डे के पास और इनके इंटेंशन साफ नजर नहीं आते हैं। हमें ये जो इनके अटैक्स हैं इनको एज ए प्रॉक्सी वार लेनी चाहिए और इसी तरह जो भी टेररिस्ट हैं उनको एज एन एनिमी कंसिडर करना चाहिए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे एक एनिमी के साथ किया जाता है। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर वायोलेशन किया है जम्मू के पुंछ सेक्टर में और मोर्टार फायर्स चल रहे हैं। ये बहुत समय से बंद था, ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले भी हमेशा पुंछ और जम्मू के इलाके में ये सीज फायर वायोलेशन करते रहे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है आर्मी को पूरी छूट है, मकबूल जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की जो सेना फायरिंग कर रही है उनको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और ये आएंगे, ये इसी तरह से सीखते हैं। और मैं कहूंगा कि पुंछ की जनता सफर होने के बाद भी इनके साथ कभी नहीं मिलेगी, भारत के साथ खड़ी रहेगी और जब भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे इनको पूरा सबक सिखलाया जाएगा।